सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्लो, एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। अयोध्या विच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आरती, कहा हुण रामलला नूं टेंट विच रहण की लोड़ नहीं। देशवासियों ने दित्ती बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर कंपलैक्स में कुबेर टीला पहुंच के शिव मंदिर में की भगवान शिव की पूजा और जटायु की मूर्ति का किया उद्घाटन। पंजाब में वक्त थाई राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में लगाए गए लंगर, कैबिनेट मंत्री ने लगवाई हाजरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अज अयोध्या राम मंदिर के पावन स्थान में श्री रामलला की नवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। देश विदेश में लखां राम भगत इसके गवाह बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा तो बाद रामलला की मूर्ति की आरती की। भगवान राम के बचपन के रूप में मंदिर की हेठली मंजिल उत्ते मुख गर्भगृह में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान की परिक्रमा की, दंडवत प्रणाम करने मगरों साधुओं तो आशीर्वाद भी लिया। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होंदे ही भारतीय हवाई सेना के हैलीकाप्टर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कंपलैक्स उत्ते फुलों की वर्खा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समागम तो बाद अपना 11 दिन का वर्त भी तोड़ दिता है। गोविंद देवगिरी महाराज वालों उन्होंने चरणामृत पिलाने तो बाद उन्होंने अपना वर्त तोड़िया। गोविंद देवगिरी महाराज ने अपने 11 दिन के अनुष्ठान नूं सफलतापूर्वक पूरा करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हां दी भगती की तारीफ की। समारोह में RSS के मुखी मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद सन। इस मौके अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके को अलौकिक दसिया। प्राण प्रतिष्ठा तो बाद PM मोदी ने कहा कि सदियों के इंतजार तो बाद साढ़े राम आ गए ने। तपस्या ते त्याग तो बाद साडे प्रभु राम आए ने। उन्हें कहा कि साडे रामलला हुण तंबू विच नहीं रहणगे, हुण इक मंदिर विच रहणगे। उन्हां दा पक्का विश्वास है कि जो होया उसका एहसास देश अते दुनिया दे कोने कोने विच राम भगतां नूं हो रहा होवेगा। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी
प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुण राम मंदिर बनने तो बाद अगे देव तो देश अते राम तो राष्ट्र की चेतना का विस्तार करना है। मोदी ने कहा है कि हुण काल चक्र बदल रहा है, असी अगले 1000 साल तक दे भारत की नहीं रखनी है। सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या। आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजार वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से, अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा, हमारी चेतना का विस्तार, देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर कंपलैक्स में कुबेर टीला पहुंच के शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा की, जटायु की मूर्ति का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवलिंग का जल अभिषेक किया, मंदिर की परिक्रमा की। राम मंदिर का निर्माण करवा रहे श्री राम जन्म भूमि तीर्थ खेत्र ट्रस्ट वालों राम जन्म भूमि कंपलैक्स में कुबेर टीले उत्ते स्थित प्राचीन शिव मंदिर का भी नवीनीकरण करवाया जा रहा है। बाद में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के कंपलैक्स में जटायु की इस मूर्ति का उद्घाटन किया। पीएम ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में शामिल मजदूरों उत्ते फुलों की वर्खा की। जटायु रामायण के एक प्रसिद्ध गरुड़ पात्र ने जदों रावण सीता का हरण करके लंका ले जा रहा है तो जटायु ने सीता नूं रावण तो छुड़वाने की कोशिश की, जिस तों नाराज होकर रावण ने उन्हें खंभ कट दिते सन।
ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन दे वल्लों दिल्ली विच श्री राम मंदिर जी दे प्राण प्रतिष्ठा नूं समर्पित समागम दिल्ली विच करवाए गए। इस मौके कौमी घट गिणती कमिशन दे चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मुख्य मेहमान वजों शिरकत की। इस मौके उन्होंने कहा कि अज दा दिन सारे भारतीयों लई खुशी दा दिहाड़ा है। उन्होंने कहा कि ताड़वियां ने जो गलती की सी उस नूं सुधारिया गया। उन्होंने भी कहा कि राम मंदिर की स्थापना लई वड्डी जदोजहद की गई सी। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर परमजीत सिंह खुराना ते होरनां ने शमूलियत की। सारे भारतीयों लई खुशी का समय है कि जिहड़ी गलती विदेशी धाड़वीआं ने 500 साल पहला कीती सी उहदे मुड़ के असीं अपनी सभता नूं दुबारा खुशी नाल मना रहे हैं। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है, उन्हां दा मंदिर बन जा रहा है, जिहदे लई भारतीयों ने इन्ने साल जदोजहद कीती। बहुत सारे लोगों नूं मुकदमे भुगतने पे, कोई जेल गए, कुछ होर होया। सो अज असीं सारां दा, क्योंकि जिहड़ा इस्लाम भी कोई किसी का दूजे का धर्म स्थान ढाउण दी आग्या नहीं दिंदा, सिख गुरुआं ने तां जिहड़े धर्म स्थान बना के दिते है, श्री हरगोबिंदपुर के मस्जिद बना के दिती, महाराजा रणजीत सिंह ने जी कुरान मजीद खरीद के वापस दिती मुसलमान को, और बनारस के मंदिर लई सोना दान किया, होर मंदिरों नूं जमीन ज़्यादा दित्तियां, नवे मंदिर बनाए। इस तरह ही पटियाले वालों ने भी, मनसा देवी तुहाडे कपूरथले वालों ने पांच मंदरी बनाई। सो ये सारे दे धर्मां दे स्थान बना के देना, उन्होंने पूजा की विधि देना, ये साढ़े कल्चर का हिस्सा रहा, तो सानू सब नू मिल के इनू सैलीब्रेट करना चाहिए। अज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मर्यादा पुरशोत्तम, मर्यादा किसी समाज का जीवन जाच हुंदी है, और पुरशोत्तम उत्तम पुरश के राही प्रगट हुई, तो भगवान राम के राही ये अज साढ़े सामने आ रही है। तो मैं समझना सब लिए खुशी का मौका, सबनों सैलीब्रेट करना चाहिए, ताकि असी सारे जड़े आ इस खुशी दे विच एक दूजे दे नाल जुड़ सकीए, और सानू हमेशा ही करना चाहिए। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ 1510 ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ 1510 ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਅਤੇ 1528 ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਂਕੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਚਰਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अयोध्या विखे भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शुभ आरंभ के मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने अज हलका दिड़बा के वख-वख थावां ते इस इतिहासिक दिहाड़े की खुशी में करवाए वख-वख समागमों में शमूलियत की, भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, संगत के दर्शन किए। इस मौके उन्होंने सारे राम मंदिर के उद्घाटन की बधाई दी है। अयोध्या विखे भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शुभ आरंभ के मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा वालों हुशियारपुर में अपने दफ्तर में धार्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिस दौरान उन्होंने विधि विधान मुताबिक पूजा की, राम भगतों को राम मंदिर के उद्घाटन की बधाई दी है। इस मौके उन्होंने लंगर में भी सेवा की, शोभा यात्रा में भी शमूलियत की है। इस मौके तीक्षण सूद और नरेश डोगरा भी मौजूद रहे। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਕ ਨਗਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ,
जिहड़ा भी असीं बचपन तो जदों होश सामदे हैं सब तो पहला साडा अयोध्या नगरी दे उत्ते साडा माइंड जिहड़ा है सारिआं दा ही जांदा। सो अज बड़ी कृपा हुई है, भगवान ने खुद कृपा की है कि तकरीबन 550 साल तो बाद उत्थे जिहड़ा है भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है और कानूनी तौर पर हो रही है। सारिया कोर्टा ने उन्होंने हक के जोड़ा है जाके भी उन्होंने भूमि जी सी भगवान की जन्मस्थली सी जी भूमि जिते उन्होंने अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो बहुत ही खुशी का मौका मैं अपने वालों सारे ही अपने शहर वासियों सारे देश वासियों पूरे विश्व के जी अज राममय राम भगवान राम का नाम लिया रहा उन्होंने उच्चारण हो रहा। सो ये बड़ा ही साढ़े सारे लिए गौरवमय विषय भी है मैं कह सकता। और ये नाल नाल मैं एक गल कहनी चाहना साड़ी आम आदमी पार्टी वालों बहुत ही मानयोग आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी वालों सीएम दिल्ली और मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के वालों और सारी ही पार्टी के साथियों वालों सारे नूं बहुत बहुत बधाई है। और हरेक जगह उत्सव दिल्ली के आम आदमी पार्टी वालों अज एक शोभा यात्रा का शुभारंभ हो रहा उत्थे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा बजरंग बली जी का पाठ हो रहा। सो सारा जिहड़ा है संसार राममय ही हैगा। भगवान कहते दो अक्षर का प्यारा नाम जिहड़ा है वह भगवान का नाम है। असीं जिहड़ा उच्चारण कर रहे हैं अपने मूँह दे नाल राम चाहे असीं किसी बाणी का गल करिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज के जिहड़ा हैगा भगवान राम के नाम की हरि नाम की महिमा आ वह इस करके है भी जिहड़ा अकाल पुरख है वह इको ही है वह भगवान राम के रूप के आता कभी दसा गुरुआ के रूप भी वह आए है अलग अलग सब के पैगंबर के रूप के आए हैं। भगवान भगवान की चेतना है भगवान की रदा लेकिन साढ़े सारे ने बहुत खुशी का मौका है मेरे सारे ही साथी इतने मौजूद है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो बाद सुनाम में सीतासर धाम तो शुरू हुई शोभा यात्रा में नंगे पैरी चल के भगवान राम प्रति अपनी श्रद्धा का प्रगटावा किया। इस मौके जय श्री राम के जयकारा नाल राम भगतों ने शोभा यात्रा में शमूलियत की। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में जलंधर में राम भगतों वालों वक् वक् थाई समागम करवाए गए। इस मौके जलंधर तो संसद मैंबर सुशील कुमार रिंकू ने भी शमूलियत की। इस मौके प्रबंधकों ने उनका स्वागत और सम्मान किया। सुशील रिंकू ने राम मंदिर के उद्घाटन की बधाई दी है। राजपुरा में नवी अनाज मंडी विखे आड़ती एसोसीएशन वालों प्रधान दविंदर सिंह की देखरेख में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समर्पित समागम करवाया गया। इस मौके विधायिका मैडम नीना मित्तल ने विशेष तौर पर शमूलियत की। इस मौके से विशेष तौर पर अयोध्या तो लाइव विखाने LED लगाई गई जिस राही संगत ने अयोध्या तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समागम का लाइव प्रसारण वेख्या। विधायिका नीना मित्तल ने समूह देश विदेश दंगतों राम मंदिर के उद्घाटन की बधाई दी है। अनाज मंडी विच साडे भगवान राम जी अयोध्या आए ने उहदी बड़ी खुशी मनाई जा रही है। साडे प्रधान दविंदर जी अपनी टीम नाल साडी सारी आम आदमी टीम और लोग सारे पब्लिक नाल असीं अज्जे खुशी मनाउण आए हां कि अज्ज साडे लई उह दिन है कि एक टाइम रामचंद्र जी वनवास कट के अयोध्या आए सी ते अज्ज दुबारा अयोध्या विच आए ने। अज्ज पूरा देश विदेशों विच सारे किते खुशी मनाई जा रही है। अज्ज पूरे राजपुरे विच की पूरे देश विच दिवाली वाला दिन है और अज्ज पूरे दिवाली मनाई जाएगी। और मैं यही कहूँगी कि अज्ज भगवान राम का आशीर्वाद लैके असी अगे चलीए और साडे राजपुरा शहर विच सारे गिले शिकवे बैर विरोध मिटा के खुशियां नाल रहिए और राजपुरे की तरक्की की कामना करिए। श्री राम मंदिर अयोध्या के उद्घाटन के संबंध में सीनियर अकाली आगू अनिल जोशी वालों अमृतसर विखे करवाए गए भंडारे में श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल विशेष तौर पर शामिल होए और उन्होंने कुछ पल लंगर वरताने की सेवा भी की। इस मौके जोशी तो इलावा बड़ी गिणती में अकाली आगू ते वर्कर हाजिर सन। इस मौके सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अज दुनिया विच वसदे हिंदू भाईचारे लई बड़ी खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि भारत एक अजिहा देश है जिथे सारे धर्मों के लोग रहिंदे ने अते एक दूजे दीआं खुशियां विच शामिल हुंदे ने। उन्होंने कहा कि वह अज के दिन लई देश विदेश विच बैठे लोगों को बधाई देंदे ने। उन्होंने यह भी कहा कि अकाली दल की सोच सरबत के भले की सोच है ते साडे गुरु साहिबान की सोच उत्ते ही असीं पहरा दे रहे हां। अज दुनिया विच वसदे हिंदू समाज वास्ते बड़ा खुशी का दिन है।
यार कोई कि राम मंदिर की अज शुरुआत जे प्राण प्रतिष्ठा जी अज हो रही है। देखो अपना जो देश है अकला ऐसा देश है दुनिया जिसे सारे धर्मां दे लोग रहिंदे है। खूबसूरती इस देश की है कि सारे धर्मां दे लोग इकट्ठे होके रहिंदे है तो एक दूजे की खुशियां विच अपना हिस्सा पाउंदे है। सो अज जिहड़ा सारे देश वास्ते मैं सारे देशवासियों नूं ते दुनिया च वसदे अपने देशवासियों नूं मैं अज दे दिन की वधाई देना चाहुंदा। ते मैं देखिया पूरे देश विच कोने कोने च लंगर भी लोग ला रहे हैं ते मैं तो आई कहना चाहुंदा कि पंजाब जिहड़ा सूबा है आ एक बार्डर का सूबा है। सार प्रकाश सिंह जी बादल की सोच ऐसी सोच सी जिन्हें पंजाब नू कट्ठा रखिया पंजाब नू अगे लेके गए। सार प्रकाश सिंह जी बादल जो भी मुख्यमंत्री रहे सारे धर्मां दा जो भी शुभ दिहाड़ा आउंदा सार प्रकाश सिंह जी बादल ने आप बह के उन्हां नाल उन्हां मनाउंदे सी उन्हां दे शुभ दिहाड़ियां दे आप हिस्सा बनदे सी। कल्ले आ नहीं साहब प्रकाश सिंह जी बादल ते श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी सोच है सरबत दे भले दी सोच है जिहड़ी सोच साडे गुरु साहिबान ने सानू सिखाई है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा भोगल विखे धार्मिक समागम करवाया गया जिस विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर अते बीजेपी दे आगू तरविंदर सिंह मारवा ने शमूलियत की अते राम मंदिर दे उद्घाटन की वधाई दी है। इस मौके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग अगवाई विच राम मंदिर का सुपना साकार होया है। सारे धर्म इकट्ठे होके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व विराज राम मंदिर का उद्घाटन होया। चारों तरफ खुशियां हो रही कोई लंगर बन रहा है कोई चीज का लंगर बन रहा है कोई प्रसादे बन रहा है हर जगह एक गुरु सिंह सभा बने हुई अभी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश मनाया नाल ही जिन्होंने राम मंदिर आज जिहड़ा कि उद्घाटन होया उसके अभी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और उन्होंने मुबारकबाद भी दे सारी सिंह सभा। अयोध्या विच राम मंदिर दे उद्घाटन समारोह नूं समर्पित हुंदिआं जलंधर दे वख-वख बाजारां नूं सजाए गए ते आउण जाण वालिआं लई लंगर भी लगाए गए। इस मौके शहर दे रौनक बाजार दी गल करिए तां इत्थे राम भगतां ने जयकारे लगाए ते शरधा भावना नाल लंगर वरताया। अज जो जलंधर शहर पूरे हिंदुस्तान में अज बहुत ही खुशी वाला माहौल है। श्री राम भगवान जो कि अपने करे कमल पा रहे हैं अपने दरबार में आ रहे हैं और 500 साल के संघर्ष तो बाद जी अब जीत हुई एक इतिहासिक जीत हुई है और मैं सारे देशवासियों को बधाई देना चाहवागा। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते हैं नायर मारदे मौसम के हाल से तुम बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के धन्यवाद।